गुड मॉर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय मनीष सर, केजी रोड आरा के 2020-22 सेशन में आप लोग का स्वागत है। पिछला क्लास में हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे हम आशा करते हैं कि वो क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। यदि वो क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाए हैं तो हम उस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, हम उन सभी क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग रूल की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम लोग रूल पढ़ते हैं, रूल सीखते हैं। बहादुर, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम बेसिक 4-5 क्लास 10 क्लास केवल मैथ की ही बात करेंगे, उसके बाद जो है हम फिजिक्स पर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी हम आपको जोड़ और घटाव के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछला क्लास में भी हम आपको कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन दिए थे जोड़ घटाव से रिलेटेड, लेकिन इस जोड़ घटाव में पावर पर का जोड़ घटाव होता है। पावर पर का जोड़ घटाव, ये जो जोड़ घटाव है वो पावर पर का जोड़ घटाव है। तो हम लोग बात करते हैं, जैसे हम चर्चा किए थे पिछला क्लास में कि 2.52 × 10^4 प्लस 3.7 × 10^3। तो कुछ लोग क्या करते हैं, 10^4 को डायरेक्ट 10 चार को जीरो दे देते हैं और 3 को 3 को जीरो दे देते हैं। तो बहादुर, 10^4 था तो 4 को जीरो दे दिया, अच्छी बात है। 3 को था तो 3 को जीरो दे दिए। लेकिन मान लीजिए 10^ यहाँ पर 28 होता तो क्या 28 को जीरो देते? 10^3 होता तो क्या 3 है तो 3 को जीरो दिया, लेकिन 30 होता तो क्या 30 को जीरो देते? यानी इसका मतलब हुआ कि जिस तरीका से आप बना रहे हैं वो तरीका सही नहीं है। 10^4 को 4 को जीरो हम नहीं दिख सकते। यानी हम इस टॉपिक पर अभी चर्चा करने वाले हैं कि पावर पर के जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं, पावर पर के जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं। हमारा पूरा क्लास इसी पर चलेगा कि पावर पर का जोड़ घटाव कैसे बनाएंगे, पावर पर के गुना और भाग कैसे बनाएंगे। तो पावर पर के जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं, हमारा आज का टॉपिक यही है। इस टॉपिक में हम पावर पर के जोड़ घटाव के बारे में बात करेंगे और कुछ फार्मूला लिखा देंगे, उस फार्मूले को आप देखिएगा, समझिएगा, हम लोग बात करते हैं। तो पावर पर के जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं? तो बहादुर, पावर पर के जोड़ घटाव बनाने के लिए सबसे पहले हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पावर आगे पीछे कैसे होता है, पावर कम अधिक कैसे किया जाता है, पावर कम और अधिक कैसे किया जाता है। जैसे हम समझते हैं 10^7 है, 10^7 है, हमने क्या किया तो ऊपर 10 से गुना कर दिया और नीचे भी 10 से गुना कर दिया, 10 से नीचे भी और ऊपर भी कर दिया। 10^7 है और यहाँ 10 से गुना कर दिया, नीचे भी 10 से कर दिया। तो क्या हम 10^8 बटा में 10 लिख सकते हैं क्या? यानी 1.0 × 10^8 कर सकते हैं क्या? सॉरी, 0.1 × 10^8 कर सकते हैं क्या? चलिए, नहीं समझे तो एक और एग्जांपल देते हैं, शायद आपको समझ में आएगा। 25 × 10^7 25 × 10^7 तो बहादुर थोड़ा समझिएगा, 25 × 10^7 × 10 / 10 क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? यानी 25 × 10^7 × 10 / 10 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, 2.5 × 10^8 25 में 10 से भाग दिए तो 2.5 हो गया, 10^7 × 1 × 10^1 × 10^8 हो गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, यहाँ पावर 7 था और यहाँ पावर 8 है, यहाँ पर दशमलव यहाँ था और यहाँ दशमलव यहाँ है, यानी एक अंक दशमलव जो है पीछे आ गया, एक अंक दशमलव जो है पीछे आ गया। तो एक अंक दशमलव जब पीछे आया तो पावर 7 से बढ़ के 8 हो गया, पावर 7 से बढ़ के 8 हो गया। तो रूल क्या निकल के आता है कि यदि पावर प्लस में हो,
तो दशमलव को लेफ्ट साइड लाने पर, पीछे लाने पर पावर बढ़ जाता है। यहाँ पर दशमलव दो अंक के बाद था, यहाँ पर एक ही अंक के बाद है। यहाँ पावर सात था तो यहाँ पावर आठ है। यानी जब दशमलव एक अंक बाएं तरफ आया तो पावर सात से बढ़ के आठ हो गया। तो रूल निकल के आया कि यदि पावर प्लस में हो, यदि पावर प्लस में हो और दशमलव को, डेसिमल को लेफ्ट साइड लाइएगा, यदि पावर प्लस में हो तो दशमलव को लेफ्ट साइड लाइएगा, बाएं तरफ लाइएगा, तो पावर बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि पावर प्लस में हो तो दशमलव को लेफ्ट साइड लाने पर पावर बढ़ जाता है। देखिए यहाँ दो अंक के बाद दशमलव था, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक दशमलव जब बाएं तरफ आया तो पावर सात से बढ़ के आठ हो गया। इसी का उल्टा समझिए, यहाँ से ऐसे समझिए, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो पावर आठ है, लेकिन जब यहाँ दो अंक के बाद दशमलव है तो पावर सात है। यानी दशमलव जब दाहिने साइड जाएगा तो पावर आठ से घट के सात हो गया। यानी यदि पावर प्लस में हो, यदि पावर प्लस में हो और दशमलव को राइट साइड ले जाइएगा, यदि पावर प्लस में हो दशमलव को राइट साइड ले जाइएगा, दाहिने तरफ ले जाइएगा, तो पावर आठ से घट के सात हो गया। यानी पावर घट जाता है। यह रूल एक निकल के आ गया कि यदि पावर प्लस में हो दशमलव को लेफ्ट लगेगा तो पावर बढ़ जाता है, और यदि पावर प्लस में हो और दशमलव को राइट साइड ले जाइएगा, दाहिने तरफ ले जाइएगा, तो पावर घट जाएगा। जितना दाहिने ले जाइएगा पावर घटता चला जाएगा, जितना दशमलव को दाहिने ले जाइएगा पावर घटता चला जाएगा। जैसे देखिए ये 3.7 है ना, इसको 37 लिखिएगा तो पावर दो हो जाएगा, 370 लिखिएगा तो पावर एक हो जाएगा। यानी यहाँ पर 3.7 है तो यहाँ पर 37.0 है, यहाँ 370.0 है, फिर यहाँ पर यदि 37 तो 00 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे पावर को दाहिने साइड, सॉरी दशमलव को दाहिने ले जाइएगा, पावर घटता चला जाएगा। यदि पावर प्लस में हो दशमलव को लेफ्ट साइड ले जाइएगा, पावर बढ़ेगा। यदि पावर प्लस में हो दशमलव को राइट साइड ले जाइएगा, पावर घटेगा। चलिए देखते हैं बहादुर, YouTube पर 11th का हर वीडियो नहीं मिलेगा, ये दो चार दिन तक ही YouTube पर वीडियो मिलेगा। इसके बाद जो है आपको कोचिंग के ऐप में पढ़ाई चलेगा, कोचिंग के ऐप में ही पढ़ना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो 25.7 गुना 10 के पावर -6, 25.7 गुना 10 के पावर -6 हमने क्या किया, तो 10 से गुना कर दिया ऊपर और 10 से भाग दे दिया नीचे। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो हम इसको लिखेंगे तो 2.57 गुना 10 के पावर 1 है तो -6 और 1 -5। यानी यहाँ पर दो अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पर दो अंक के बाद दशमलव है तो पावर में 6 है। माइनस से मत समझिएगा, यहाँ दो अंक के बाद दशमलव है तो पावर में 6 है, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो पावर में 5 है। यानी दशमलव एक अंक लेफ्ट साइड आ गया, बाएं तरफ आ गया, तो पावर 6 से घट के 5 हो गया। पावर समझिएगा, 6 से घट के 5 हो गया कब, जब दशमलव लेफ्ट साइड आया तब। देखिए पावर जब प्लस में था तो लेफ्ट लाने पर बढ़ गया था, लेकिन जब पावर माइनस में है तो लेफ्ट लाने पर घट गया। फिर से एक बार समझिए, जब पावर प्लस में था तो लेफ्ट साइड ला रहे थे तो बढ़ रहा था, यहाँ पावर माइनस में है तो लेफ्ट साइड लाने पर घट रहा है, 6 से घट के 5 हो गया। यानी यदि पावर माइनस हो तो दशमलव को लेफ्ट साइड ले जाने पर पावर घट जाता है। इसी का उल्टा करिए, यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो पावर 5 है, यहाँ दो अंक के बाद दशमलव है तो पावर 6 हो गया। इसका मतलब हुआ कि यदि दशमलव को हम राइट साइड ले जाएंगे तो पावर बढ़ेगा। यानी यदि पावर माइनस में हो दशमलव को राइट साइड ले जाएंगे पावर बढ़ेगा।
यदि पावर माइनस में हो दशमलव को राइट ले जाइएगा तो बढ़ेगा, यदि पावर माइनस में हो दशमलव को लेफ्ट ले जाइएगा घटेगा। ये पढ़ने आना चाहिए बहादुर। यदि पावर प्लस में हो, ये पावर लिखा हुआ है, ये दशमलव है और ये जो है पावर है। यदि पावर प्लस में हो दशमलव को लेफ्ट ले जाइएगा पावर बढ़ेगा, यदि पावर प्लस में हो दशमलव को राइट ले जाइएगा पावर घटेगा, यदि पावर माइनस में हो दशमलव को लेफ्ट ले जाएंगे पावर घटेगा, यदि पावर माइनस में हो दशमलव को राइट ले जाएंगे पावर बढ़ेगा। अब हम जोड़ और घटाव पर चर्चा करने वाले हैं। ये तो हमने रूल बताया कि दशमलव को आगे पीछे खिसकाते कैसे हैं, दशमलव को आगे पीछे खिसकाते कैसे हैं ये हमने बताया। अब हम जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं ये बताने वाले हैं, पावर पर का जोड़ घटाव कैसे बनाते हैं ये बताने वाले हैं। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। पिछला वीडियो में यही सब क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए थे, तो ये तीनों तो अभी पढ़ाई नहीं हुआ है, ये अभी नहीं बनेगा, लेकिन जोड़ और घटाव वाला क्वेश्चन दोनों हम बना दे रहे हैं और इसी पर कुछ क्वेश्चन और जो है चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है 4.57 × 10⁶ प्लस 3.27 × 10⁵। और बहादुर पावर पर का जोड़ बनाने के लिए याद कीजिएगा रूल, पावर पर का जोड़ और घटाव बनाने के लिए, पावर पर का जोड़ और घटाव बनाना हो तो सबसे पहले पावर बराबर करते हैं, पावर पर का जोड़ घटाव बनाना हो तो सबसे पहले पावर बराबर करते हैं, और पावर पर के गुना और भाग बनाना हो तो बेस बराबर करते हैं। याद कीजिएगा रूल, जोड़ घटाव करना हो तो पावर बराबर करते हैं और गुना भाग करना हो तो बेस बराबर करते हैं। जब तक पावर बराबर नहीं होगा जोड़ घटाव नहीं बनेगा, और जब तक बेस बराबर नहीं होगा गुना भाग नहीं होगा। पावर पर का जोड़ घटाव बनाना हो तो सबसे पहले पावर बराबर कीजिए। ये रूल आप कॉपी पर लिख भी सकते हैं कि पावर पर का जोड़ घटाव बनाने के लिए पावर बराबर करना पड़ता है, और पावर पर के गुना भाग करने के लिए बेस बराबर करना पड़ता है, आधार बराबर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जोड़ है तो हम पावर बराबर करेंगे। पावर बराबर करने का हमारे पास दोनों विकल्प खुला है, या तो 6 को 5 कर लीजिए या तो 5 के 6 कर लीजिए। 6 को आप 5 भी कर सकते हैं और 5 के 6 भी कर सकते हैं, आइए आप पे डिपेंड करता है। तो देखिएगा 4.57 × 10⁶ प्लस, हम दशमलव को राइट साइड ले जाएंगे, दशमलव को राइट नहीं लेफ्ट ले जाएंगे, दशमलव को जब हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे पावर बढ़ेगा, पावर प्लस में है दशमलव को लेफ्ट ले जाएंगे पावर बढ़ेगा। तो लेफ्ट ले जाएंगे तो 3.27 है, तो एक अंक जब बाएं तरफ लाएंगे तो 0.327 होगा, 0.327 हुआ, तो पावर 5 से बढ़ के 6 हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, पावर हमारा 5 से बढ़ के 6 हो गया कब, जब दशमलव को एक अंक लेफ्ट साइड लेके आ गए तब। देखिए अब पावर बराबर हो गया कि नहीं। कुछ स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर पावर 6 क्यों किए हैं, इसको 6 क्यों किए, इसको 5 नहीं कर सकते थे? हाँ बहादुर, इसको 5 भी हम करके बना सकते हैं, या तो दोनों को 5 कीजिए या तो दोनों को 6 कीजिए, हर हाल में पावर बराबर होना ज़रूरी है। जब तक पावर बराबर नहीं होगा नहीं बनेगा। पावर पर के जोड़ घटाव बनाने के लिए पावर बराबर किया जाता है, और पावर पर के गुना और भाग बनाने के लिए बेस बराबर किया जाता है। तो चलिए हम लोग अब दोनों में से 10⁶ कॉमन ले लेंगे, 10⁶ कॉमन लेंगे तो 4.57 प्लस 0.327 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7, 7 × 9, 5 × 3 = 8, 4, 4.897 × 10⁶।
ये हमारा आंसर हुआ। 4 दशमलव, फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 7 एकम 7, 7 2 9, 5 3 8 है, 4 एकम 4, 4.897 × 10^6। ये हमारा पावर पर का जोड़ बना। पावर पर के जोड़ घटाव बनाने के लिए पावर बराबर किया जाता है, और पावर पर के गुना भाग बनाने के लिए बेस बराबर किया जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बन गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2.70 × 10^3 −1.4 × 10^2। 2.70 × 10^3 −1.4 × 10^2। अब हम या तो 3 को 2 करेंगे, या तो 3 को 2 करेंगे, या 2 को 3 करेंगे, या तो हम 3 को 2 करेंगे या 2 को 3 करेंगे, दोनों में से पावर बराबर होना ज़रूरी है। पावर जब तक बराबर नहीं होगा नहीं बनेगा, पावर जब तक बराबर नहीं होगा नहीं बनेगा। तो देखिए, यदि पावर प्लस में हो, दशमलव को राइट ले जाएंगे पावर घटेगा। तो यहाँ पर दशमलव 1 अंक के बाद है, हम इसको 2 अंक के बाद लिखते हैं, मतलब 27.0, तो पावर घटेगा। देखिए, राइट ले जाएंगे पावर घटेगा, राइट ले जाएंगे तो पावर घटेगा, तो 3 से घट के 2 हो गया, −1.4 × 10^2। दोनों में से 10^2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 27.0 − 1.4, घटा दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6, और ये हमारा हो गया 26, 6 में से 1 जाएगा 5, 2, 25.6 × 10^2, 25.6 × 10^2। यदि आप लोग आंसर मिला लिए होंगे, आया होगा जिनका बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया होगा वो थोड़ा सा मेहनत करेंगे। और बहादुर कुछ लोग ऐसे होंगे जो 10^6 को 6 को 0 दे दिए होंगे, 10^5 को 5 को 0 दे दिए होंगे, तो जो ऐसे बनाए होंगे ये तरीका गलत है। यदि आप 10^6 को 6 को 0 और 10^5 को 5 को 0 देकर बनाए होंगे तो ये तरीका गलत है, क्योंकि हम अभी 1-2 क्वेश्चन और दे दे रहे हैं, उसको ट्राई करके देखिए कि आपको क्या होता है। चलिए हम लोग समझते हैं, 1-2 क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है 2.734 × 10^8 +4.349 × 10^9। ये हमारा एक जोड़ है, और दूसरा है 24.3 × 10^-5 −3.2 × 10^-4। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए, और वीडियो को पुश करके आप क्वेश्चन को बनाइए पहले, और तब उसके आगे देखिएगा, क्योंकि ये चीटिंग हो जाएगा। आप लोग घर पर बैठे हैं तो अपने साथ ईमानदारी बरतिए, वीडियो को पुश करके क्वेश्चन उतार लीजिए और बनाइए, और बना करके आगे हम जो बना रहे हैं तब वीडियो देखिएगा। जब तक आप बनाइएगा नहीं, वीडियो आगे मत देखिएगा। वीडियो जब तक मैंने क्वेश्चन ही नहीं बनाएंगे, वीडियो आप लोग आगे मत देखिएगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, ये दोनों उतर गया होगा, ये दोनों क्वेश्चन यदि जिनको उतारना है उतार लीजिए, वीडियो को पुश करके भी आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले करके भी उतार सकते हैं, जिनको भी उतारना होगा आप उतार सकते हो। अब हम जो है दोनों क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 2.734 × 10^8 +49.3 × 10^9। तो फिर वही बात, या तो पावर 8 को 9 कीजिए, या तो पावर 8 को 9 कीजिए, या तो 9 को 8 कीजिए, बात एक ही है।
या तो पावर 8 को 9 कीजिए या तो 9 को 8 कीजिए, बात एक ही है, दोनों में से जो करना है वो कीजिए आप। तो हम क्या करने वाले हैं, तो 9 को 8 करने वाले हैं, पावर 9 को 8 करेंगे, यानी पावर घटना चाहिए। तो यदि पावर प्लस में हो दशमलव को राइट ले जाइएगा, पावर घटेगा। दशमलव पावर यदि प्लस में हो दशमलव को राइट साइड ले जाएंगे, दाहिने ले जाएंगे, पावर घटेगा। यानी हम यहाँ पर दशमलव को दाहिने तरफ ले जाने वाले हैं, तो 2.734 गुना 10^8 प्लस 493.0 गुना 10^8, एक अंक दाहिने लेके चले गए, पावर 8 हो गया, घट गया। एक अंक दाहिने लेके चले गए, पावर घट गया, 8 हो गया। अब दोनों में से 10^8 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2.734 प्लस 493, तो ये हो जाएगा 495.734 गुना 10^8। इसको थोड़ा सा अच्छा तरीका से और सजा देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 4.95734 गुना 10^10। ये थोड़ा स्टैंडर्ड रूप हो गया, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। रूल एक ही है, रूल को समझिए। पावर पर का जोड़ घटाव बनाना हो तो पावर बराबर करते हैं, पावर पर का जोड़ घटाव बनाना हो पावर बराबर करते हैं, गुना भाग बनाना हो बेस बराबर करते हैं। यदि पावर पर का जोड़ घटाव बनाना हो तो पावर बराबर कीजिए, और गुना भाग बनाना हो तो बेस बराबर कीजिए। किन्हीं को उतारना है तो स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 24.3 गुना 10^-5 और 3.2 गुना 10^-4। तो वही बात, या तो 5 को 4 कीजिए, या तो 5 को 4 कीजिए, या तो 4 को 5 कीजिए, बातें कहीं है। तो हम 5 को 4 करने वाले हैं, तो पावर यदि माइनस में हो तो लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो घटेगा, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो घटेगा, यानी दशमलव को लेफ्ट ले जाएंगे, लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो पावर घटेगा, यानी 5 से घट के 4 हो जाएगा, यानी 2.43 एक अंक लेफ्ट लेके चले गए तो पावर घटेगा, यानी -5 से घट के -4 हो गया, -3.2 गुना 10^-4। 10^-4 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा 2.43 -3.2। घटाइए बहादुर, घटाइएगा तो क्या होगा थोड़ा समझ लीजिए। -10 में से 3 जाएगा 7, 1 में से 11 में से 4 जाएगा 7, 0.77 यही हो जाएगा हमारा। जोड़ करके भी आप देख सकते हो, 7 3 10, 7 4 11 1 12, 2 1 3, ठीक है, गुना 10^-4। रूल आप समझ लीजिए, पावर फिर वही बात बोल रहे हैं, जो पावर पर का जोड़ घटाव बनाना हो तो पावर बराबर कीजिए, गुना भाग बनाना हो बेस बराबर कीजिए। तो जोड़ घटाव के बहुत से जितना भी यहाँ पर लिखिएगा, आप लोग खुद से लिख लिख करके बना सकते हैं, दोनों क्वेश्चन आप उतारना चाहे उतार सकते हैं। गुना और भाग के लिए हम सूत्र लिख दे रहे हैं, आप लोग अगले क्लास में याद करके बैठिएगा वीडियो देखने के लिए। जब तक आपको याद नहीं होगा अगला वीडियो आप लोग मत देखिएगा, सूत्र हम लिख दे रहे हैं गुना भाग कैसे बनाते हैं, पावर पर के गुना भाग वर्गमूल कैसे बनाते हैं उसी को हम सिखाने जा रहे हैं, उसी का सूत्र लिखने जा रहे हैं। चलिए सूत्र देख लीजिएगा, x^m, आप लोग पढ़े होंगे लेकिन जैसे हम अगले क्लास में इसको डील करेंगे वैसे आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे। आप फार्मूला ज़रूर पढ़े होंगे लेकिन बहुत से लोग फार्मूला का इस्तेमाल नहीं जानते हैं, केवल फार्मूला पढ़े हैं। हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, आप लोग इस फार्मूला को याद कीजिएगा। ये फार्मूला आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे
लेकिन इन सभी फार्मूला का इस्तेमाल जैसे पढ़ना है, इस्तेमाल बहुत से लोग केवल फार्मूला याद करके छोड़ देते हैं, उनको इस्तेमाल समझ में नहीं आता। यदि हम आपको यही कहें कि आप इसका इस्तेमाल जानते हैं, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 1/2 गुना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसी को गुना कर देना है। यदि आप जो लोग इस फार्मूले को हल्का में ले रहे होंगे, वो इस क्वेश्चन को बना कर देखिएगा, यदि बन जाता है तो समझिए कि फार्मूला आप बेहतर तरीके से जानते हैं। पिछले वाला क्लास में 2-3 क्वेश्चन और भी दिए थे, 2 क्वेश्चन जोड़ घटाव का था, बाकी 3 क्वेश्चन जो है गुना और भाग का था, वो तीनों क्वेश्चन भी आप बना देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला आपका बहुत अच्छा है, कमांड है फार्मूला पर। लेकिन यदि वो तीनों क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, तो इस फार्मूला पर आपको कमांड नहीं है। तो इस फार्मूले को आप याद करके अगला वीडियो देखने बैठिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।